रहे हैं कृपया वो व्यवस्थित हो जाएं। जो माताएं खड़ी हैं बीच बीच में उनसे मेरा निवेदन है या तो वो वहाँ से दूसरी जगह जाके अपनी व्यवस्था में लग जाएं या वो जगह छोड़ दें। ये जो माताएं खड़ी हैं वो व्यवस्थित बैठ जाएं। पीछे जो लोग खड़े हैं इधर उधर घूम रहे हैं वो भी कृपया पहले व्यवस्थित हो जाएं। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं पुनः मेरा निवेदन है भक्तगणों से कि वो अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस ज्ञान रस गंगा सागर में आज हमारा पंचम दिन है। पांचवा दिन कब आ गया ये हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हम भक्ति रस में इस तरह डूबे हुए हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे बीत रहे हैं। कल एक बहुत शुभ दिन है। कल आदरणीय परमादरणीय प्रातः स्मरणीय माता श्री का जन्मदिवस है और उसकी तैयारियां आप जोर शोर से करेंगे और वो आपके मन में भी है ये हमें पता है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है इसलिए आप कल की तैयारी अपने मन में रखें। आज का ये जो दिन है पंचम दिन, यहाँ तक हम जिस तरह पहुँचे हैं वो बातें आपके दिमाग में होगी, मन में होगी, विचारों में होगी, उस पर मनन करें, विचार करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। आज हम जिस संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। मैं पुनः आपसे निवेदन कर दूं कि मंच पर जो अतिथि हमारे बहुत दूर से आए हैं, कोई बिहार से आया है, कोई नेपाल तरफ से आया है, कोई राजस्थान से है, तो जो भी अतिथि मंच पर आए कृपया आप आष्टा नगर की तरफ से उनको पूर्ण सम्मान दें, उनको तालियां बजाकर स्वागत करें ताकि उनका उत्साहवर्धन हो और उनको लगे कि हम कहीं गए थे तो हमारा बहुत आत्मीय सम्मान किया गया है। सम्मान सिर्फ माला से या पुष्प से नहीं होता, सम्मान तालियों से और मन से भी किया जाता है, आत्मा से भी किया जाता है, वो सम्मान आप जरूर करें। मैं कार्यक्रम को प्रारंभ की हमारी रूपरेखा है उसमें सबसे पहले माँ भगवत जी का पूजन होता है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ जो हमारा अतिथि बहुत दूर से आए हैं, जो बनारस से उस स्थान से आए हैं जहाँ हमारा शिव जी का एक ज्योतिर्लिंग है और वो ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ से वो सब कुछ मिलता है जो मन से मांगा जाता है और हिंदी का ऐसा स्थान है वो जहाँ से हिंदी के बहुत बड़े बड़े पंडित हैं। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय वहीं पे बनारस में है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री दिनेश कुमार जी शर्मा साहब को जो बनारस से हमारे बीच में आए हैं, सा सम्मान वो मंच तक पहुँचें। श्री विजय जी, विनय जी, विनय जी जो बनारस से हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें भी सा सम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो भी कृपया मंच पर पधारें। श्री संजय जी जो आप भी हमारे बीच में बनारस से हैं, आप भी कृपया मंच पर पधारें। श्री रमेश जी आप भी मंच पर पधारें, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री शारदा देवी जी आप भी बनारस से हैं, मैं सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और भागवत पूजन करें। भागवत पूजन जब हो तो आपकी तालियां बरोबर चलना चाहिए, या आपकी तरफ से पूजन हो रहा है समझो माता जी का, वो पुष्प से कर रहे हैं, आप मन से कर रहे हो, तालियों से कर रहे हो, तो ये आपकी तालियां बरोबर सम्मान में बजना चाहिए। ये हमारे वो अतिथि हैं जो लगभग 1100-1200 किलोमीटर की यात्रा करके आष्टा पहुँचे हैं और ये आष्टा नगरी का भी सौभाग्य है कि इतनी दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर पधार रहे हैं और ये पुण्य प्रताप और ये जो आष्टा नगर का सौभाग्य जीत है ये माता श्री के इन कदमों का पुण्य प्रताप है, उनकी वाणी का पुण्य प्रताप है, उनके तेज का पुण्य प्रताप है,
जो हमारे यहाँ इतनी दूर दूर से भक्तगण चलते हुए आ रहे हैं। एक बार जोरदार माता जी के सम्मान में आप तालियां बजाएं। जितनी संख्या आज है मैं समझता हूँ उसके हिसाब से तालियों की आवाज नहीं हो पा रही है। एक बार जोर से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। ये हमारी जो प्रातः स्मरणी जिनके वचनों से